छोटी सी कहानी है, ये कहानी भी प्यार की ही है। इसमें लड़की तो है पर प्यार लड़की वाला नहीं है, पर कहानी है। हर दिसंबर की रात की तरह उस रात भी मेरे शहर में मच्च की सर्दी थी, मच्च के रोंगटे खड़े कर देने वाली सर्दी थी। प्री बोर्ड्स की तैयारी करता हुआ मैं अपने रूम में बैठा था, आधा कंबल इस पैर पे और एक पैर कंबल से बाहर था क्योंकि पंखा चलाने की ताकत नहीं थी और ठंड बड़ी ज़ोर से लग रही थी। लौंडा अब जवान हो चुका था, प्री बोर्ड्स की तैयारी कम हो रही थी और उस बंदी से प्यार थोड़ा ज़्यादा हो रहा था क्योंकि पहला प्यार था। अचानक एक आवाज़ आई, वो एक चीख थी और ये चीख बगल वाले कमरे से आ रही थी जिसमें पापा सो रहे थे, ये उनकी चीख थी। वो चीख से मैं डरा, थोड़ा सहमा, दबे पांव रूम तक गया कि शायद कुछ दिक्कत तो नहीं, तो देखा पापा करवट बदलने की कोशिश कर रहे थे। आधी करवट पलटी ही थी और मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, रहने दो, सब ठीक है। 20 मिनट तक खड़ा रहा, वो करवट पूरी ना हो पाई, वो आधी करवट वापस से आधी सी हो गई। ये सिलसिला कुछ 4 महीने तक चलता रहा। वो दर्द से जीत ना पाए, मैं नींद को हरा ना सका, ना नींद आती थी ना उनका दर्द ख़त्म होता था, पर खुदा की रहमत हुई एक दिन उनका दर्द भी ख़त्म हो गया। सोचने में आता है कि एक पिता न जाने क्या क्या कर जाता है। हर सुबह जब जाता था उनके कमरे में और पूछता था, पापा सब ठीक है ना, दर्द तो नहीं? नहीं यार, पागल है क्या, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा, मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी, मुझे आपकी चीख सुनाई दी थी और मैं काफ़ी समय से सुन रहा हूँ। बोला, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, मेरे को दर्द वर्द कुछ नहीं है, तो लोड मत ले। दर्द ख़त्म हुआ, सब नॉर्मल है, पर ठीक है, एक पिता न जाने हम लोगों के लिए क्या क्या कर देता है। हम मशरूफ़ रहते हैं दुनिया की माया में, बंदियों में, छलावों में, पैसे में, शोहरत में, पर प्यार है ठीक है, वैलेंटाइंस डे है ठीक है, चॉकलेट डे है, रोज़ डे है, फलाना धमाका है, बचपने में हो गया ये सब ख़त्म। प्यार है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो घर में ही है, अपना ही है, हमारा ही है, वहीं से लेना है, वहीं पर देना है, उसी को बढ़ाना है, उसी को संभालना है और आगे यही बढ़ाना है। न जाने क्या अजब सी ताकत है हमारे पिता में कि हर गलती को माफ़ कर देते हैं, हर तमन्ना के पैदा होने से पहले ये उसे पूरा सा कर देते हैं। खुदा है ये तो पता था, खुदा है ये तो पता था, पर अब लगता है कि वो उसे देखा तो नहीं है, न जाने कैसा दिखता है। पर सोचने की बात तो ये है कि शायद वो बाप जैसा ही दिखता है। सही कहा है किसी ने कि बाप तो बाप होता है, बाप तो बाप होता है, मेरी जान आखिर खुदा जैसा भी कहाँ कोई और होता है। थैंक यू।